हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। मैं हूँ आपकी मेंटर एंड गाइड संध्या राय। आप जानते हो, देखते ही होंगे वीडियो हमारी। तो एक अनाउंसमेंट करनी थी, बड़ी अनाउंसमेंट ही कह लो इसे, कि सेशन खत्म होने जा रहा है। 9th और 11th क्लासेस का एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं। तो 9th एंड 11th के बच्चों से मैं बात करना चाहूंगी आपसे, कि आप लोगों के एग्जाम्स की तैयारियां चल रही होंगी, या फिर कहीं कहीं तो किसी किसी स्कूल में तो एग्जाम भी शुरू हो गए हैं, और फेब्रवरी लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपके कंप्लीट भी हो जाएंगे एग्जाम्स। तो जैसा कि मेरे मतलब जानकारी में जितने बच्चे हैं, सब मेरे को बता रहे थे कि फर्स्ट मार्च तक सबके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो हम, क्योंकि अब आप आ रहे हो 10th एंड 12th क्लास में, तो अगला सेशन लंबा नहीं खींचेगा जैसे कि अब की बार हुआ है, ऐसा नहीं होने वाला बिल्कुल भी। क्योंकि अब की बार तो बच्चों ने काफी डिमांड की, सीबीएसई भी सोच में पड़ा था कोरोना के प्रॉब्लम को लेकर। लेकिन अगले साल ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि सब चीजें खुल चुकी हैं, सब आपको मालूम ही है कि केसेस का जो भी हिस्ट्री है। तो नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं जाने वाला कि आपके एग्जाम बहुत लेट हो और आपको इतना टाइम मिले, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मैंने पीछे भी अभी अनाउंसमेंट का एक डाला था, सीबीएसई की तरफ से जो सर्कुलर आया था कि एग्जाम जल्दी स्टार्ट कराए जाए। तो स्कूल वालों ने एग्जाम्स अपने कंडक्ट कराने शुरू कर दिए हैं, काफी जगह शुरू हो गए हैं या फिर होने ही वाले हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 9th एंड 11th को सीरियस होने की जरूरत है अब 10th एंड 12th के लिए, और उनके साथ साथ हमें भी सीरियस होने की जरूरत है जल्दी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अगला जो 10th और 12th का बैच है, सेशन है, नया कोर्स है, वो मैं 13th मार्च से स्टार्ट कर रही हूँ बैच, फ्रेश 10th के लिए और फ्रेश 12th क्लास के लिए। दोनों के लिए 13 मार्च से ये बैच शुरू हो जाएगा। और अब की बार रिकॉर्डेड सेशंस नहीं जाएंगे, जैसे इस साल हुआ है कि रिकॉर्डेड सेशंस जाते थे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो मैं लाइव नहीं ले पाती थी। लेकिन इस बार मैं लाइव सेशंस लूंगी, 10th के भी और 12th के भी, और रेगुलर होंगे ये, डेली बेसिस पर होंगे। नए कोर्स के साथ साथ आपको नया कोर्स तो मिलेगा ही, अपडेटेड बिल्कुल नया पार्ट, उसके साथ साथ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन भी वीकली वाइज चलेगी। एक टाइम टेबल सा बन जाएगा कि हमने इतने दिन लेसन पढ़ना है, उसके बाद उतने उस टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी पूरी बोर्ड लेवल से ही होगी, जैसे कि एमसीक्यू, एसेशन, केस स्टडीज, क्विज, सब लाइव सेशंस में ये डिस्कस होंगे। आप उसमें पूरी तरह पार्टिसिपेट कर सकते हो अच्छे से, एंड बहुत मजा आने वाला है, और सीखने को तो मिलेगा ही, साथ में मजे भी बहुत आएंगे। तो मैं बस यही आपको एक अनाउंसमेंट करना चाह रही थी। तो अभी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और रिवीजन कोर्सेज में डाल ही रही हूँ, साथ साथ इस चैनल पर वो आप देख ही रहे होंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स 9th एंड 11th क्लास। मिलते हैं जल्दी ही आपके नए सेशंस में, नए कोर्स के साथ, 10th और 12th के साथ। तो आपको यदि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा हो, अभी भी आपको कोई भी क्लियर ना हो, कोई क्वेश्चन का प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वो आपने आई थिंक किया हुआ भी होगा, तो वहां आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड या फिर अनअकैडमी ने एक आस्क अ डाउट सेशन स्टार्ट किया है अनअकैडमी पर, बिल्कुल नया है ये 6th से 12th क्लास के लिए। तो इसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। कैसे करना है, जो ये डाउट्स हैं ये कैसे आप क्लियर करोगे, पूछ कैसे सकते हो, ये मैं आपको अभी एक क्वेश्चन लेकर बताती हूँ इसमें कि कैसे आपको करना है। चलिए दिखाते हैं कि कैसे आप डाउट पूछोगे अनअकैडमी पर। पहले अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेनी है, और उसे जब आप खोलेंगे देन इसमें ये आ जाएगा आस्क डाउट। इसे खोल लोगे, इसमें आपको कैप्शन मिलेगा एक टेक का पिक्चर या फिर गैलरी से। तो यदि आप टेक पिक्चर लेकर ही सीधा क्लिक करके डालना चाहते हो तो वहां से डाल सकते हो, अदरवाइज गैलरी में यदि आपने सेव कर रखा है वो पिक्चर लेके ऑलरेडी, तो वहां पर जाएंगे गैलरी में, उसका जो स्क्रीनशॉट होगा उसका हम क्रॉप करेंगे एंड उस क्वेश्चन को हाईलाइट करेंगे जो हमें क्वेश्चन पूछना है। एक बार में एक ही क्वेश्चन आपको पूछना है,
उसे अपलोड करेंगे और नीचे सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे कि केमिस्ट्री है या फिजिक्स है या मैथ्स है, किसका है क्वेश्चन, एंड देन सेंड कर देंगे और ये हमारा आंसर 1-2 मिनट में ही आपके पास वीडियो की फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल डिले नहीं होगा, बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है ये आंसर इसका। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई वीडियो मिलेगी आपको हिंदी या इंग्लिश में, जिसमें आप बताओगे। इसके साथ साथ ये सेशन जो है, डाउट सेशन जो है, वो बिल्कुल क्लियर जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देने, लेकिन वहां पर वो अनलॉक तब तक नहीं होगा या अपलोड तब तक नहीं होगा जब तक आप कोई कोड नहीं डालेंगे। और ये कोड याद रखिए, डीएसएल क्लासेस, जब आप वहां पर अपलोड करेंगे तो आपको कोड डालना होगा डीएसएल क्लासेस, देन इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं तो वो अनलॉक ही नहीं होगा वो, ठीक है। तो ये कोड याद रखना है अच्छे से। इसके अलावा फरवरी में ही आप यदि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो डीएसएल क्लासेस का कोड यूज करके यू विल गेट 10% डिस्काउंट देयर। तो है ना अमेजिंग बात, तो ये ध्यान रखिएगा। डाउट कैसे पूछना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मैंने क्वेश्चन जो है वो डाल रखे हैं, वो आप उसको एक एग्जाम्पल की फॉर्म में डाला, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो आप ट्राई कर सकते हो कि कैसे होगा, वो आप देख सकते हो, तो लिंक वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर टिल देन बाय एवरीवन।